केंद्र सरकार के 3 अध्यादेश वापस लेने की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के आह्वान पर भारत बंद के समर्थन में किसानों द्वारा घरसाना रावला पूर्णतः बंद रहा। हजारों किसानों ने हरसुख चौधरी मंगत अग्रवाल की अगुवाई में कुपली चौराहे पर नाका लगाकर चक्का जाम किया। चक 2ST ओवरब्रिज के पास माकपा के पूर्व विधायक पवन दुग्गल व लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में नाका लगाया गया है। पुरानी मंडी घरसाना में सरपंच गुरलाल बराड़ व सरपंच अशोक लीलड़ के नेतृत्व में नाका लगाया गया है। किसान नेता सत्यप्रकाश सिहाग, राजू जाट, सरवर जसलेरा, फलक शेर, विनोद छिम्पा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन 2GD पुलिया पर किया जा रहा है। किसानों का बंद व चक्का जाम शांतिपूर्ण रहा। घरसाना प्रशासन ने नाकों पर इमरजेंसी व विवाह शादी की गाड़ियों को जाने में सहयोग किया। पुलिस भी सभी नाकों पर तैनात रही। कानून और ये प्रस्ताव बनाया था उसको तोड़ के हमको 8-8 बारी 8.5 दिन की बारी हमने पानी लेकर इस इलाके को सिंचित किया और इस इलाके को आबाद किया। अब दोबारा ये जो नरेंद्र मोदी 3 अध्यादेश लेके आया है, किसान और मजदूर और व्यापारी के खिलाफ लेके आया है, हम इनको बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। मेरी 81 साल उम्र है और मैं इन साथियों और मेरे बच्चों किसान आंदोलन जो चरम सीमा पर है अब, और इस बारे में आप बताइए कि मंडियां भी बंद हो रही हैं और क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे? सर, इसमें हमारे मजदूरों का बहुत बड़ा लॉस है सर। अगर ये मंडियाँ बंद होती हैं तो हमारे मजदूर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। कल हमने एप्लीकेशन भी दी है, SDM को दी है सर, क्योंकि हमारा भी इस बंद में पूरा पूरा सहयोग है। हमने आज मंडियाँ बंद की हैं कि सर, धान का तोला मजदूर यूनियन ने, मैं मजदूर यूनियन से प्रधान हूँ सर, इसलिए हमने भी बंद में पूरा सहयोग किया है सर। और अगर ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहा तो हम दिल्ली पहुँचने का इसमें 10 तारीख। जी अध्यक्ष साहब, बताएं आप कि आज चक्का जाम किया है और मंडियां भी बंद हुई हैं, धार मंडी भी बंद है, इस संबंध में आगे क्या कार्रवाई है? आगे अगर कल मीटिंग है उसमें नहीं वापस अध्यादेश लिए तो ये आंदोलन तेज करेंगे। व्यापार मंडल का पूरा समर्थन है जी, व्यापार मंडल के किसाना का पूरा समर्थन है, पूरी मंडी का जी, तय बाजारी और सारा बंद है। किसान मजदूर व्यापारी सब एक है। अगर कल वापस नहीं हुआ मीटिंग में तो हम इस आंदोलन को तेज करेंगे। क्या आप यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे? बिल्कुल, हम 10 तारीख को हमारे 2 ट्रक यहाँ से जा रहे हैं। तो सभी किसान साथी भी जाएंगे या व्यापारी वर्ग जाएगा? किसान साथी भी साथ जाएंगे। आंदोलन के बारे में आप भी शामिल हैं आज, और क्या आगे की भूमिका रहेगी? सबसे पहले जो काले कानून जो मोदी सरकार ने जारी किए हैं उनको वापस लेना चाहिए, जिसे किसानों, व्यापारियों और जो मजदूर हैं उनकी रोजी रोटी पर आँच आ रही है। इसे बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं, क्योंकि ये सारा कृषि आधारित क्षेत्र है। 70% जो जनता है वो कृषि पर आधारित है। अगर ये काले कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तो हम इसके लिए उग्र से उग्र प्रदर्शन करें, ईंट से ईंट बजा देंगे, और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी तन मन और धन की तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। आंदोलन दिल्ली के लिए हम भेजेंगे यहाँ से, अगर चाहे राशन सामग्री की जरूरत हो, चाहे कोई भी सामग्री की जरूरत हो या जो भी समर्थन की जरूरत हो, तो हम यहाँ से भारी संख्या में यहाँ से राजस्थान से श्रीगंगानगर घरसाना से भी जो है किसान वहाँ पर दिल्ली में जाएंगे। बताइए किसान आंदोलन के बारे में कैसा रहा किसान आंदोलन आज, आपने चक्का जाम कर रखा है यहाँ पे? बिल्कुल है, टोटल बाजार बंद है और है कोई भी घरों से नहीं निकला, शांतिपूर्वक बंद रहा, सफल रहा। जब तक है 3 अध्यादेश वापस नहीं होंगे तब तक है ये आंदोलन उग्र रूप धारण करेगा। अगर प्रधानमंत्री मोदी से में समझ जाए तो ठीक है, नहीं वरना किसान है, आम जनता, किसान मजदूर व्यापारी चुप बैठने वाले नहीं है। इस क्षेत्र से कितने किसान जा चुके हैं दिल्ली और कितने जाने की तैयारी में हैं, कोई ऐसा? किसानों का अब आज के बाद है, मीटिंग होगी उसके बाद किसान है दिल्ली जाने के लिए, कोई 500-400 किसान तो पहले जा चुके हैं दिल्ली यहाँ से, और अब उसके बाद आज की मीटिंग के बाद होगा।